आज की वीडियो में हम जानेंगे सिर्फ एक चीज, एक खाद्य पदार्थ के बारे में, जिसके मात्र एक महीने के सेवन से ही फेफड़े मजबूत होकर फेफड़ों की कमजोरी और फेफड़ों के विषैले मवाद नष्ट हो जाते हैं। इस वजह से दमा के दौरे भी बंद हो जाते हैं, पुरानी खांसी, नजला, पेट की खराबियां भी दूर होती है, रक्त में लाल कणों यानी हीमोग्लोबिन की वृद्धि होती है, खून साफ होता है। इसके सेवन से पेशाब खुलकर आता है, कब्ज, बवासीर, नकसीर, मुंह के छालों में भी लाभ मिलता है, मुहासे, झाइयां दूर होकर चेहरा भी चमकदार बनता है। तो आप जरूर इस बेहतरीन उपाय, बहुत लोगों का आजमाया हुआ, आयुर्वेद में बताए गए खाद्य पदार्थ का जरूर सेवन कीजिएगा और लाभ उठाइएगा। सेवन का सही तरीका, सही विधि भी जरूर जान लीजिएगा ताकि पूरा फायदा मिल सके। तो फेफड़ों को मजबूत बनाने व फेफड़ों के सभी रोगों को दूर करने की एक ही मेन चीज है, वह है मुनक्का। जी हाँ, मुनक्का। मुनक्का को आप मामूली समझने की भूल कभी ना करें। मुनक्का को सेवन करने की दो विधियां हैं। पहली विधि, नए ताजा मुनक्का के 15 दानों को साफ पानी से धोकर रात में 150 ग्राम पानी में कांच के बर्तन में भिगोकर रख दें। सुबह तक ये फूल जाएंगे। सुबह इनके बीज निकाल कर चबा चबा कर खाएं और वह पानी भी पी लें। एक महीने तक ऐसा प्रतिदिन करें, यकीन करें आप रिजल्ट स्वयं देखकर हैरान हो जाओगे। दूसरा तरीका है, रात में इन भिगोए हुए मुनक्कों को सुबह उबालकर ठंडे किए गए दूध में आधा घंटा रखने के बाद खाया जाए तो अधिक शक्तिवर्धक सिद्ध होते हैं। ऊपर से वह दूध भी पी लें, लेकिन ध्यान रखें मधुमेह यानी डायबिटीज में मुनक्का खाना मना है। तो जो भी तरीका आपको पसंद आए, आप उस तरीके से मुनक्का का सेवन जरूर कीजिएगा। मुनक्का के सेवन से ना केवल फेफड़े मजबूत होंगे बल्कि खून की भी वृद्धि होगी, खून साफ होगा, खांसी, नजला व पेट की खराबियां भी दूर हो जाएगी, चेहरा भी ग्लो करेगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी नॉलेज पसंद आएगी। मिलती हूँ आपसे फिर से एक और शानदार नॉलेज के साथ। स्वस्थ रहें, सफल बने। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।